नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से, और यह नोटिस दोस्तों संबंधित है ऐसे अभ्यर्थियों से जिनका साक्षात्कार अभी नहीं हुआ है या होना प्रस्तावित है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में, तो उसी संबंधित नोटिस है। क्या नोटिस, इसको पहले पढ़ लेते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, विज्ञप्ति सूचना जिस किसी से भी संबंधित हो, चयन बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या 5060 चयन 2021 दिनांक 13 जून 2020 द्वारा कोरोना महामारी के दृष्टिगत विज्ञापन वर्ष 2016 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय के स्थगित किए गए पूर्व निर्धारित साक्षात्कार को लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात पुनः प्रारंभ करने की स्थिति न बन पाने तथा 15 दिन पश्चात पुनः समीक्षा कर स्थिति में सूचित करने की विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। तो दोस्तों, जैसा 15 दिन पहले आप लोगों को बताया गया था नोटिस के माध्यम से कि आपका साक्षात्कार कोरोना महामारी के कारण अगले 15 दिनों के लिए स्थगित किया जाता है, तो उसी संबंधी नोटिस है। आगे क्या है देखते हैं इसको। चयन बोर्ड द्वारा इस संबंध में कोरोना महामारी के प्रसार, संक्रमितों की संख्या वृद्धि, यातायात के साधनों के संचालन एवं अन्य जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं का पुनः आकलन किया गया एवं पाया गया कि अभी भी स्थगित साक्षात्कार को पुनः प्रारंभ करने की स्थिति नहीं बन पा रही। स्थिति सामान्य होने पर लिए गए निर्णय के यथा समय सभी संबंधित को सूचित किया जाएगा। इसके लिए कृपया निरंतर चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, जैसा आप लोग जानते हैं www.upscssb.org के संपर्क में बने रहें। यानी जिन लोगों के इंटरव्यू दोस्तों होने थे, विशेषकर जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक विज्ञान और अंग्रेजी विषय संबंधित अभ्यर्थी हैं, तो अभी आपका साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, और आगे कब होगा इसके लिए आपको लगातार जो है वेबसाइट पे विजिट करते रहना होगा। और अगर मेरे माध्यम से भी कोई जानकारी मुझे प्राप्त होती है तो मेरा भी प्रयास रहेगा उससे संबंधित मैं वीडियो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी देखिए डेट भी नहीं क्लियर की हुई है कि आगे 15 दिन या 20 दिन के हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।